हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है नीट यूजी का जो पेपर था वो लीक हुआ था और इससे संबंधित काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सामने निकल के आ रही हैं, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन हो या फिर CBI की जो जाँच हो रही है उसमें जो गिरफ्तारी हो रही है वो, ठीक है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं नीट के री एग्ज़ाम को लेकर। यानी कि स्टूडेंट्स का ये कहना ये है कि क्या सभी जो स्टूडेंट्स हैं 24 लाख, क्या उनका री एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में उसी पॉसिबिलिटी के बारे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि री एग्जाम सभी स्टूडेंट्स का हो जाए या फिर सिर्फ अब जो री एग्जाम 23 तारीख को आपको हुआ था उसके बाद कोई भी एग्जाम नहीं होने का, फाइनल रिजल्ट आएगा और 8 तारीख को जो आपकी सुनवाई होने वाली है उस पर अपडेट आने के बाद सभी की जो काउंसलिंग है वो करा ली जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नीट यूजी से संबंधित सभी जानकारी यहां पर मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ और वो ये कि जैसा कि आपको पता है नीट का एग्ज़ाम हुआ था 5 मई 2024 को, उसके बाद फिर 23 तारीख को आपका री एग्ज़ाम कराया गया 1563 कैंडिडेट्स का, जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं मेरी पुरानी वाली वीडियोज़ पर जो रिजल्ट से रिलेटेड थी या फिर एडमिट कार्ड से रिलेटेड थी कि सर क्या पॉसिबिलिटी है री एग्ज़ाम होने की। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, री एग्ज़ाम कराना इतना आसान नहीं है जितना स्टूडेंट्स सोच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ कह दूँ, वो शायद आपको थोड़ा सा गलत लगेगा कि जो री एग्जाम की क्वेश्चन, जो री एग्जाम का मुद्दा जो ज्यादातर स्टूडेंट्स उठा रहे हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 450 टू 500 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा चाह रहे हैं कि भाई री एग्जाम हो जाए, हमें एक और मौका मिल जाए, मगर वो जो है उन स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोच रहे जिनके मार्क्स ज्यादा आए हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से 650+, 670, 680, 690, 700 स्कोर किया है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है हर डे जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए सेम नहीं होता, हो सकता है जिसने 690, 695 या 700 नंबर स्कोर किया है इस वाले एग्जाम में, वो अब नेक्स्ट वाले में स्कोर ना कर पाए ड्यू टू एंजाइटी वगैरह, ठीक है। तो यहां पर पहले पॉइंट तो मैंने ये अपना क्लियर कर दिया। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि क्या जो पॉसिबिलिटी है री एग्जाम की वो है या नहीं। तो देखिए री एग्जाम होना इतना आसान नहीं है, यहां पर मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं, और वो इसलिए क्योंकि 24 लाख स्टूडेंट्स का दोबारा से री एग्जाम कराना वो आपस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। क्योंकि उसमें काफी ज्यादा चीजें देखी जाती हैं, बजट भी देखा जाएगा, प्लस आपका जो अरेंजमेंट होता है वो दोबारा से किया जाएगा, और उसके बाद फिर दोबारा से डेट निकालना, एग्जाम कराना, उसके बाद फिर पेपर कलेक्शन करना, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करना, फिर काउंसलिंग कराना, फिर एडमिशन प्रोसेस, तो इसमें काफी ज्यादा समय लग जाएगा और तब तक आपका हो सकता है कि नीट 25 की डेट भी आ जाए। मगर यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, वो ये कि जो आपका 8 जुलाई को सुनवाई होने वाली है, जो आपका 8 जुलाई में अपडेट आने वाली है, उसका आपको वेट करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसके बाद भी कोई फैसला लिया जा सकता है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बट अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग 8 जुलाई का वेट करिए, 8 जुलाई को जैसा भी होता है वो क्लियर हो जाएगा, हो सकता है कि 8 जुलाई के बाद एक और न्यू डेट दे दी जाए, ठीक है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई री एग्जाम हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट अगर यहाँ पे मास लीक होता है पेपर, मास पेपर लीक हुआ है सभी जगह पर, सभी स्टेट्स में, सभी सिटीज में हुआ है, तो हो सकता है कि री एग्जाम हो जाए। बट अभी जैसा कि आपको सामने आ रहा है कि कुछ स्टेट्स में पेपर लीक के मामले सामने आए थे, तो उसी से संबंधित हो सकता है कि 1% 10% कि उन सिटीज में दोबारा से एग्जाम ले लिया जाए, बट ऑफिशियल अपडेट कोई भी नहीं है। आपको 8 तारीख तक का वेट करना है, तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि आप लोग पीस बनाए रखिए, कोई भी ऐसा एक्शन अपनी तरफ से मत लिए जिससे आपको कोई भी नुकसान हो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।